आसिफ रियाज इन दिनों हिमांशी खुराना के साथ अपने रिलेशन को लेकर चर्चा में है। घर में उन्होंने कई दफा हिमांशी खुराना को अपने दिल की बात बता दी है, लेकिन अब वो अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए नजर आए। जी हाँ, दरअसल आरती, शेफाली जरीवाला और आसिम रियाज यूं ही बातें कर रहे होते हैं। आरती कहती हुई नजर आती है कि आसिम, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तू ना लिया क्या? तो आसिम कहते हैं कि हाँ, मैं तो ना लिया हूँ कब का। तो उनकी तारीफ में ये कहती हुई नजर आती है शेफाली जरीवाला कि तू तो हमेशा ही अच्छा लगता है, नहाए या फिर ना नहाए। तो यहाँ पर आरती कहती है कि आसिम तो अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी बार कॉल्स करता होगा दिन में, एटलीस्ट 10-12 बार तो करता ही होगा ना। तो आसिम कहते हैं कि नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो इस पर शेफाली कहती है ये उस टाइप का नहीं है, बिल्कुल भी चेप टाइप। तो आरती कहती है कि मैं आसिम से पूछना चाहती हूँ। आसिम कहते हैं कि शेफाली मेरा जवाब जानती है और वो दे रही है जवाब। आरती कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये चेप टाइप नहीं है, बट स्टिल ये बहुत ही लविंग वाला पर्सन है, ये जरूर अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करता होगा। तो आसिम कहते हैं कि हाँ, बस 2-3 बार कर लेता था दिन में। तो आरती कहती है कि 2-3 बार तू कर लेता होगा और 2-3 बार वो, तो बस हो गया ना। आसिम कहते हैं कि 10-12 बार कॉल करने से क्या फायदा, जब 3-4 बार में ही बात करने पर वो सामने वाला कहे कि आज तो पूरा दिन तुमसे ही बातें करने में निकल गया। आसिम बताते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो इस तरीके की अच्छे इंसान थी कि सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ही मेरे लिए पैनकेक्स बना के भेज दिया करती थी जानने वाले के हाथों, बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इस पर शेफाली कहती है, जब इंसान आपके साथ होता है तब आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो आपसे दूर चला जाता है तब आपको उसकी अहमियत का पता चलता है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।